रात को सोता हूं। अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। सुबह उठता हूं। नो। प्यारे देश से। इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है वो उसको समझना चाहता है, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए इसमें। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, मणिपुर में जाके खड़े होना चाहिए। अगर मणिपुर में नहीं जा सके तो जहां हम खड़े हैं, हमारे दिल में जो दर्द है, जो हमारी भावना है उनके लिए, तो मेरा कहना है ये फर्क है। क्या देखना पड़ रहा है, जो भी सब लोग हैं हमारे जैसे दोस्त, इतने शानदार विचार रखते हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हाँ। मैंने कहा आपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? कहते हैं हां, पता तो लगा सकता हूं। मैंने उससे कहा आपके रसोई में छुरी है? कहते हैं हां, छुरी तो है, ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे दिमाग में एक बात आई। कहता है क्या? मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता और मैं अपने आप को लाश बनाने के लिए तैयार होता, आत्महत्या करने के लिए तैयार होता, तो आत्महत्या करने से पहले पता लगाता ये कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, रसोई से चाकू निकालता, बस में जाता, उसके घर जाता, छाती में छुरा मार देता। उसका चेहरा सफेद हो गया, मुझे कहता है ये आपने क्या कह दिया। मैंने कहा क्या कहा? मुझे कहता है राहुल जी आप बात नहीं समझे क्या? आप इतने विद्वान, आप क्या बात नहीं समझे? नहीं, क्या बात? कहता आपको ये नहीं मालूम कि अगर मैं उसको मार देता तो मैं फिर से दलित पैदा हो जाता? मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या बोला? ये
गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी, मैंने, ये हमने नहीं किया है। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। आटा दुगना हो गया, एक किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में एक किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।